विदिशा जिले की तहसील सिरोज में रविवार को मुस्लिम त्योहार कमेटी के जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश सचिव सिरोज पंधारे। इस दौरान डॉक्टर वसीम के नेतृत्व में आए हुए मेहमानों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष इकबाल खान ने डॉक्टर वसीम की सहमति से एडवोकेट मुश्ताक गौरी को मुस्लिम त्योहार कमेटी का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं डॉक्टर वसीम को मुस्लिम त्योहार कमेटी का जिला महासचिव नियुक्त किया गया। इन दोनों की नियुक्ति होने पर पुष्पमालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। क्या ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? हम एक कमेटी बनाएंगे, मुस्लिम त्योहार कमेटी की। जो कमेटी हमें अध्यक्ष बनाया उसके लिए, और जो पूर्व कमेटी थी डॉक्टर वसीम साहब, कमेटी और बना के और करेंगे उसके लिए। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोगों की दुआएं आपकी साथ में। सभी लोगों ने बहुत अच्छा स्वागत भी किया, हमारे मेहमान जो आए थे उनका भी अच्छा स्वागत किया। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जो भी मुसलमानों के त्यौहार हैं उस पर अच्छी से अच्छी शासन प्रशासन द्वारा जो भी व्यवस्थाएँ होती हैं उसके लिए करवाएँगे। ईद बकरीद और अपने शबरात और ये जो कब्रस्तानों में समस्याएँ हैं इंशाल्लाह उसको भी पुरजोर तरीके से उठाएंगे और अच्छी मेहनत करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ कई सालों से, कई वर्षों से मुस्लिम त्योहार कमेटी का ब्लॉक अध्यक्ष ही रहा हूँ मैं। उनका मकसद था यहाँ पर आकर लोगों से बात करना, क्योंकि वो मुझसे कह रहे थे बहुत दिन से कि ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पर आप ही रहें, लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि लोगों को मौका मिलना चाहिए और लोगों को मौका देना चाहिए ताकि बदल बदल के लोग काम कर सकें और सब एक टीम बन सकें। इस मकसद में मैंने जो है उनको हमारे शहर के उभरते हुए नौजवान एडवोकेट मुश्ताक गौरी का नाम उनको दिया था, जो उन्होंने कबूल करा। उसके उसमें वो यहाँ पर मोशरा करने आए थे, ब्लॉक अध्यक्ष को उनको जो है मेरे कहने पे उन्होंने बना भी दी। मुस्लिम त्यौहार कमेटी का क्या उद्देश्य है? मुस्लिम त्यौहार कमेटी का उद्देश्य तो उसके नाम से ही लगता है कि त्यौहारों से रिलेटेड है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि खाली वो त्यौहारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वक्त वक्त पर कौमी मसाइल आते रहते हैं। हमारे यहाँ कभी कुर्बानी का मसला आता है, कभी कोई, जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे हालात आए थे, उसको फेस करने के लिए मैं कौम का एक चेहरा होता है कि यह मुस्लिम त्यौहार कमेटी का अध्यक्ष है तो ये वो सारे काम करेंगे। तो जब जो काम आ जाए कौम के लिए उसके लिए आदमी को हाजिर रहना चाहिए, ना कि खाली तीज त्यौहारों तक सीमित रहना चाहिए।